नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। जी हां, सिरोंज में 45 और पूरे जिले में 550 संबल योजना के केस लंबित हैं। जिला पंचायत सीओ ने दिए जांच के आदेश। जनपद पंचायत सिरोंज में संबल योजना के हितग्राहियों के अभी भी लगभग 45 केस लंबित हैं। राशि की उपलब्धता के ना होने के कारण हितग्राहियों को उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिला पंचायत सीओ ने बताया कि पूरे जिले में करीब 600 केस लंबित हैं, जिसके भुगतान के लिए करीब 12 से 15 करोड़ की राशि की आवश्यकता है। राशि के ना होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। जैसे ही राशि आएगी भुगतान हो जाएगा। आपको बता दें, सिरोंज जनपद पंचायत के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि राशि के भुगतान में काफ़ी अनियमितताएं हुई हैं। जिनके भुगतान पुराने थे वे आज भी दफ्तर की ठोकर खा रहे हैं और जो नए हितग्राही थे उनके भुगतान सरकारी तालमेल से पहले हो गए हैं। इन अनियमितताओं की शिकायत जिलाधीश महोदय एवं जिला पंचायत सीओ से की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस विषय में जिला पंचायत सीओ पीके मिश्रा ने बताया कि शिकायत आई है, जांच की जा रही है। जांच के उपरांत अगर कोई दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। जैसा कि आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई, संबल योजना, इसका नया नाम नया सवेरा योजना हो गया है। मध्य प्रदेश शासन ने इसका नाम बदला है। ये शासन की बहुत ही अच्छी और प्राथमिकता की योजना है, जनहित में योजना है। इसमें जब मुझे जानकारी लगी कि इसमें लोगों का भुगतान नहीं हो रहा, कुछ आवेदक जनसुनवाई मेरे पास भी आए थे, तो मैंने संबंधित सीओ जनपद सिरोंज से बात की इस बारे में। तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी लगभग 40-45 केस पेंडिंग हैं, जिसमें उनकी तरफ से लगभग 1 करोड़ की डिमांड शासन को भेजी गई है। तो उनका कहना था कि अभी उसमें बजट उपलब्ध नहीं है, जैसे बजट आ जाएगा और तो लोगों को तुरंत उसका भुगतान कर दिया जाएगा।